हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। इससे पहले कि हम अपनी इंग्लिश की क्लास स्टार्ट करें, प्लीज़ प्रेस लाइक सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल। अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन कर लिया है तभी तो मेरे नेक्स्ट क्लास के बारे में पता चलेगा। चलिए आज का हम पहला वर्ड सिखाते हैं आपको। पहला वर्ड है प्रोनंसिएशन। क्या कहा आपने? कभी ऐसा सुना नहीं है क्योंकि आप हमेशा इसे गलत बोलते आए हैं और ज़्यादातर गलत सुनते भी आए हैं। ये प्रोनाउंसिएशन नहीं है, ये है प्रोनंसिएशन। इसे लिखा इस तरह से जाता है PRONUNCIATION, जो पहले के तीन अल्फाबेट्स हैं जिसमें पहला वॉल जो है वो ओ है, मगर यहाँ पे हम उसे यूज़ नहीं कर रहे हैं, ये प्र करके यूज़ होगा। प्रोनंसिएशन यानी कि उच्चारण। किसी भी भाषा का अगर हम सही उच्चारण करते हैं तभी हम उस भाषा को फ्लुएंटली बोल पाते हैं, यानी कि आसानी से उसकी धारा प्रवाह बहुत अच्छी हो जाती है। चलिए अब हम नया वर्ड सीखते हैं, कम्फर्टेबल। जी हाँ, कम्फर्टेबल। आप क्या कहते हैं? कम्फर्टेबल। कम्फर्टेबल नहीं होता है, आप सही बोलते हैं, वर्ड सही है मगर उच्चारण गलत है, यानी कि प्रोनंसिएशन गलत है। प्रोनंसिएशन करते वक्त हमें तीन चीज़ों का ध्यान देना होता है कि ये वर्ड कहाँ पे टूट रहा है और किस सिलेबल पे या वॉल पे एम्फसाइज किया गया है। जैसे यहाँ पे कम्फर्टेबल, यानी कि टेबल जो लास्ट का वर्ड है, अगर इसे तीन भाग में तोड़ते हैं कम फर टेबल, तो टेबल पे ज़्यादा फोकस है। कम्फर्टेबल, आर यू कम्फर्टेबल, आर यू कम्फर्टेबल, आर यू कम्फर्टेबल, बताओ तीनों में से कौन सा सही है? दूसरा बार सही समझे, कम्फर्टेबल यानी कि जो मैंने सेकेंड टाइम बोला, आर यू कम्फर्टेबल, आर यू कम्फर्टेबल, ये सही उच्चारण है। इसी में से लेते हैं इस वर्ड का लास्ट पार्ट टेबल। हम हमेशा क्या करते हैं? टेबल कहते हैं। ये टेबल नहीं है, इसे हमें बोलना है टेबल, टेबल, टेबल नहीं टेबल, टेबल, टेबल। दो टुकड़े कर देने हैं इसके, एक टेक बोलना है फिर एक बल बोलना है, टेबल। कीप इट ऑन द टेबल। जी बिल्कुल सही। तीसरा वर्ड है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट नहीं, क्या तुमने आज ब्रेकफास्ट किया? हमने तो कोई ब्रेकफास्ट नहीं किया है, हमने किया है ब्रेकफास्ट। आई हैड माई ब्रेकफास्ट, बहुत ही कॉमनली हम यूज़ करते हैं। वेडनेसडे, वेडनेसडे, वेडनेसडे नहीं होता है, वेंसडे होता है, वेंसडे, वेंसडे। जी हाँ, वेंसडे, वेंसडे। हम कुछ भी सामान लेते हैं तो हमको दुकान वाला क्या देता है? रिसीट। जी हाँ, रिसिप्ट नहीं, रसीद नहीं, रिसीट। हम कहेंगे प्लीज़ गिव मी द रिसीट, हमें इसका बिल चाहिए। दूसरा वर्ड है डेट। डेथ नहीं, डेट। जी हाँ, डेट यानी कर्जा। अब आप कहेंगे ये डेट कैसे हो, ये तो डेब्ट होता है ना, इसके बीच में एक बी भी होता है, मगर ये बी यहाँ पे साइलेंट है। जी हाँ, ये साइलेंट है, लिखना हमेशा करेक्ट DEBT, मगर कहना हमेशा डेट। जी, ही हैव लॉट्स ऑफ डेट ऑन हिम। आई हैव क्रेडिट कार्ड डेट ऑन मी। डेथ नहीं डेट, ये ट पे रोक दीजिए। आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में मैं आपसे पूछूंगी कि आपने इन वर्ड्स का कैसे प्रयोग किया और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जी हाँ, कमेंट बॉक्स में, नीचे
कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको ये कैसा लगा, आप और कौन से शब्द सीखना चाहते हैं। ठीक है, चलिए अलविदा, अगली क्लास में मिलते हैं।